जो है वो वेब सीरीज बनने जा रही है जेके टॉप पंद्रह सौ में वोट खरीद के आज समझा। हमने इनका क्रेज देखा है तो हमें लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे और एक अच्छी मूवी जो बनकर सामने है। दर्शकों, बीते कल की अगर बात करें, बीते कल में हमने आपको एक खबर दिखाई थी और उसमें हमने दिखाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब जो है वो वेब सीरीज़ बनने जा रही है जेके टॉप प्रोडक्शन की तरफ से। जो है वो उधमपुर में यहाँ पर जो है वो ऑडिशन उस वेब सीरीज़ के लिए लिए जा रहे थे। आज इनका पहला दिन था, हम इनसे ही जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस जो है इनका उधमपुर के अंदर रहा और कितना ही टैलेंट जो है अब तक इनको उधमपुर के अंदर जो है वो नज़र आया है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है, क्या एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहा? शुक्रिया अजय जी, आज का मैं आपको बताऊं तो आज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज ऑडिशन का पहला दिन था जी। ये जो एक थ्रिलर वेब सीरीज़ हम बना रहे हैं जिसका वज़ीर अच्छा कल हमने आपको उसका टीज़र भी दिया था जी, चलाया था। इस थ्रिलर मूवी में हम 8 एपिसोड बना रहे हैं जी और आज पहला दिन था। पहले दिन के हिसाब से आज अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी लड़के लड़कियां, काफ़ी हर एज ग्रुप के लोग यहां पे आए थे और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं मीडिया वालों का स्पेशल थैंक्स करता हूं कि आप कल भी आए थे, आज आप यहां पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। सर, आपके पास जो भी यहां पर कलाकार यहां पर आज के दिन जो आए हैं, क्या लगता है कि यहां से आपको कलाकार जो है वो मिल जाएंगे? नहीं सर, मेरे को ये है कि उधमपुर में भी काफ़ी टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन हमने प्लान किया कि जब तक हम यहाँ पर हैं कुछ दिन हम यहाँ पर लगाएँगे, फिर हम एरिया वाइज शहरों के हिसाब से, टाउन्स के हिसाब से कुछ एरियाज़ में हम जाएंगे। जैसे मान लो रियासी में हम जाते हैं, रामबन में जाते हैं, रामनगर में जाते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर J&K से ये यहाँ पे हम कलाकारों को, आर्टिस्ट को यहाँ पे इनवाइट करें। और मैं मीडिया के थ्रू ये एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरी सब आर्टिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस ऑडिशन में हिस्सा लीजिए जी, और जो आपका अपना जो टैलेंट है, क्योंकि हमने पहले एक बात क्लियर की हुई कि हम इस पूरी थ्रिल मूवी में हम पूरे J&K के जो लोकल्स हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मौका देंगे जी, और वही इसमें काम करेंगे। और बहुत आज जिस हिसाब से हमने इनका क्रेज़ देखा है तो हमें लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे और एक अच्छी मूवी जो बनकर सामने है। सर, अगर आने वाले समय की बात करें तो जेके टॉप प्रोडक्शन की तरफ से और कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो आप इस तरह के ला रहे हो? सर, मैं इनके साथ जुड़े हुए मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने इनसे बात की कि अगर आप इन मूवीज़ में आप ये होकर रख रहे हैं, बहुत अच्छा इनका एक सराहनीय कदम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जितनी भी हमारी जो जिस तरीके की जो ड्रॉबैक्स, जो कमियाँ जो हमारे सोसाइटी में नशे पे है, चाहे वो भ्रष्टाचार पे, चाहे वो करप्शन पे, हम चाहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ को हम इसमें दिखाएँ और लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ। सर, अभी कितने दिन आप और यहाँ उधमपुर में ये ऑडिशन चला? सर, ये हम 17 तक हम यहीं पे हैं और 17 तक मैं चाहता हूँ कि पूरा उधमपुर के जितने आसपास के सराउंडिंग के, चाहे दूर के भी हैं, वो यहाँ पे आएं, इस ऑडिशन में हिस्सा लें और अपना टैलेंट जो हमें दिखाएं। हम चाहते हैं इसके बाद 18 को हमने एक इनका उन सबको कॉल बैक करके हमने जो हम 17 तक हम जितनी ऑडिशन ले रहे हैं, 18 को हम एक अपना एक इन सबको इकट्ठा बुलाएंगे और उस दिन का हमारी मेगा ऑडिशन होगी उधमपुर में जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख तक कोई भी अगर कलाकार जिसमें के अंदर टैलेंट है वो यहाँ पर आना चाहे तो 17 तारीख तक तनिक्ष होटल उधमपुर के अंदर ऑडिशन जो है वो लगातार जो है वो चल रहे हैं। और आज इनका पहला दिन था और उनका ये कहना है कि इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट जो है वो इनको उधमपुर में जो है वो देखने को मिला है। मिस्टर टाइगर, हाँ तुमने हमारे बेटे को मारा है और तुमने हमारे बेटे को मारा, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बेटे से, समझे? एक बार रमेश जी, बात ऐसी है, हमारा लड़का ना गंदी नाली का कीड़ा है। मिस्टर
फैसला नहीं अपने पैर से। दनिया सुन रहे क्या बोल रहा है? उसका सिस्टम मिल गया भाई। तू मेरे को ले जाता समझा? अरे तू तो बच्चा है मेरे आगे समझा? तो अच्छा से जानता हूँ मैं। अच्छा? वही है ना जो 100 रुपए देके भैया खरीदता था? वही है ना तू? 1500 में वोट खरीद के आज समझा ना? बक बक मेरे बेटे अगर इधर जिंदा रहने का ना तेरे को मेरे बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी समझा?